मौसम कुछ बदल रहा है, हवाओं का मिजाज माँ की गोद जैसा हो गया है, मानो सर पर हाथ रखती ही मीठी नींद आ जाए। इस मौसम में ना तो गर्मी का एहसास होता है ना तो ठंड का, हाँ यही तो वक्त होता है पतझड़ का। यह रूखा सा मौसम पता नहीं क्या खेल खेल जाता है, पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर देता है। ऑफिस की खिड़की से मैं देख रहा था झड़ते हुए पीले लाल सुर्ख पत्तों को, पत्तों की होने वाली सरसराहट महसूस करा रही थी वो स्कूल की खिड़की। हाँ इसी मौसम में सारे क्लास बोरिंग से लगने लगते थे, जमाई को बड़ी मुश्किल से होठों के बीच में दबाते थे और कान इंतज़ार करते थे स्कूल की बेल का कि कब बेल बज जाए और हम अपना बस्ता लेकर यहाँ से भाग जाए। और इसी बीच यही पत्तों की सरसराहट ध्यान खींच ले जाती थी खिड़की की ओर और टीचर डांट कर कहते थे, क्या है बाहर हमें भी बता दो। शुरू होने वाले सालाना एग्ज़ाम की टेंशन तो होती ही थी, पर एक राहत भी थी आने वाली गर्मियों की छुट्टियों की। प्लान्स तो तैयारी होते थे कि इस छुट्टियों में कहाँ जाना है, मौसी के यहाँ या मामा के यहाँ। बॉल और बैट भी तैयार रहते थे, यही तो वक्त था जब गांव में छोटे छोटे क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे। 10 रुपये क्रिकेट के मैच में जीतने की खुशी अब हज़ारों की सैलरी भी नहीं दे पाती। हाँ अब वो गर्मियों की छुट्टी नहीं आती, बस पतझड़ में उन दिनों की यादें आ जाती है। शायद ये पतझड़ में बतानी ही आता है कि सूखे पत्तों को अपनी जगह छोड़नी है, तभी तो नए हरे पत्ते उनकी जगह आएंगे। आज भी उस स्कूल की खिड़की से कोई बच्चा बाहर देख रहा होगा और स्कूल की बेल बस बजने ही वाली होगी।